अपन आप करने जा रहे हैं क्या नाइट्रोजन तो सब्जियों को भी जमा सकता है या नहीं, तो अपन देखते हैं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता इसका क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको खोला, इस पंखा बंद करे, नाइट्रोजन पंखे में उड़ती है, को खोला और ये नाइट्रोजन डाल दिया। बहुत ठंडी होती है भाई साहब, ये डाल रहे हैं इसमें, ये डाल इसको कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं अपन पहले दो लाल मिर्चें, तो डाल दिया लाल मिर्चें, इसमें उबल रही है। फिर अपन डाल दें टमाटर, देखो कैसे उबल रही है, देखो देख पा रहे हो तो, आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप। फिर एक डाला खीरा, फिर एक डाल दिया मैंगो यानी आम। अपन इसको पिलाते हैं, पकाते हैं, तो पका रहे हैं नाइट्रोजन में, ये पका रहे हैं। ये लगता है मुझे पक के रेडी हो गया, फिर पक लगे पक रहा पक रहा है, दिखाओ अगर ये पक रहा है। ओ गाइस मिर्च भी टूट गई, इतना भतर हो गया। अब अपन इसको बारी बारी निकालते हैं, अब निकालते हैं इसमें मिर्ची, आवाज़ सुन पा रहे होगा आप, और उसको पकड़ेंगे ये इसका चूटे, ये टमाटर, इसकी आवाज़ सुनो ज़रा, फत्ता हाथ से नहीं फूट सकता, इसको अपन फोड़ देखते हैं पत्ते से एकदम टाइट हो गए बिल्कुल। अपन लेते हैं खीरा, खीरे की आवाज़ सुन रहा, ये देखो तब पत्ता कम जम गया, देखो बिल्कुल जम गया। ये आ गया मैंगो, इसकी भी आवाज़ सुनिए आप, वाओ नाइट्रोजन तो नहीं। तो एकदम पता को मिर्ची है, ये मिर्ची क्या स्थिति होगी मिर्ची, कृपया आप खुले हाथों से ना करें, नुकसान हो सकता है क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है। अब ये आम की हालत देखो, जब जम गया बिल्कुल एकदम बारा बारा। बहुत भाइयों से निवेदन ये है कि ये मनोरंजन के लिए है, कृपया इसको घर पर एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगे, पसंद आए, तो कृपया आप शेयर करें, कमेंट करें, भाई को मोटिवेट दें। धन्यवाद।